हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त, बढ़िया। तो गाइस, घर से निकल रहा था क्योंकि रोड पड़ रहा है, तो वहाँ से गाड़ी निकलेगी। यहाँ से निकल रहा था तो मेरे दो सब्सक्राइबर आए हैं। क्या नाम है आपका? ये मेरा यश और मेरा नाम शुभम। शुभम भाई और यश भाई जाए हैं तो इनके लिए गिफ्ट गिफ्ट अभी दे दें क्या? कब दे दें फिर? क्या कल गिफ्ट आप अभी अभी भी देख सकते हैं कभी? अच्छा, क्या लेंगे आप? कोल्ड ड्रिंक, चाय, ठंडा, क्या बताओ जो कहोगे वो? ठंडा। अच्छा, तो क्या लेंगे आप गिफ्ट में? कुछ भी दे सकते हो अब गिफ्ट में। अभी तो कुछ गिफ्ट रखा नहीं है तो आदि क्या दे बता, तू बता दे आदि। अभी तो हम गाड़ी निकाल रहे हैं फिलहाल, तू बता फिर। थोड़ी देर में आके दे देंगे। हम गिफ्ट ऊपर से लेके आ रहे हैं तो, और तुम कहाँ मिलोगे बताओ? हम इधर ही हैं। मिल जाओगे? तुम कितने बजे, कब तक आओगे? मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। क्या कहते, गाड़ी का स्टिकर लगवाना, उसके बाद नीचे आऊँगा। तो फिर आपको मेरे को नंबर भरा आपको कुछ नंबर कोई फोन नंबर 700 730 740 700 से नंबर होता है? या तो आप घर ही आ जाना। हाँ। तो आप घर आ जाना थोड़ी देर में, हम आपके लिए गिफ्ट ला रहे हैं। अच्छा, दोनों भाई को ले ला रहे हैं, ठीक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? भाई मस्त, बढ़िया। तो गाइस, दो दिन से मेरे सब्सक्राइबर बेचारे घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो मैं मिल नहीं पा रहा था। तो अभी मैं सोचा कि नहा के निकलूँ, लेकिन अब मुझे नहाना नहीं है क्योंकि तीनों सब्सक्राइबर आ चुके हैं। और मैंने इनसे पूछा क्या लेंगे, तो पहले कन्फर्म करा करें, नहीं वो नहीं वो नहीं, अब कपड़े लेंगे। तो हम इनको फिर कपड़े दिलाने जा रहे हैं और तीन सब्सक्राइबर आ चुके हैं हमारे, बाहर खड़े हैं। पानी भर गया रख ले, कहाँ रहा है इसके अंदर? हाँ, भर गया। क्या अभी नहीं भरा? बारिश इतनी है, बारिश भी हुई नहीं है और गाड़ी में भर गया है पानी। ये देखो, मैं सीपी वालों से आकर आया हूँ और अब सीपी वाले मुझे यहीं पकड़ने आ गए हैं। सीपी वाले आ गए गाइस पकड़ने, अभी भागा हूँ मैं सीपी वालों से। अब मुझे सीपी वाले पकड़ने आ गए गाइस, अब मेरा चालान होगा, जबर भाई भरेंगे 2000 रुपये का चालान। इसमें भी बिना हेलमेट आ रहे थे हम, इसमें भी बिना हेलमेट आ रहे थे, उसमें तो ट्रिपलिंग थी, इसमें डबलिंग थी। फाइनली गाइस, घर से निकले और रास्ते में मिल गई थी सीपीओ, उसमें अपने बड़े भाई हैं सुंदर भाई, तो बोले हेलमेट लगाओ भाई, चालान वालान कर देंगे। मैंने घर में थोड़ा जल्दी में था इसलिए आ गया था, फिलहाल तो छोड़ दिया। तो मैंने कहा जूस वूस पी लो, तो कह रहे हैं जूस नहीं पियेंगे क्योंकि अभी हम चाय पी के आ रहे हैं, फिलहाल तो मैंने जूस पिला रहे हैं अभी यहाँ पर। ये हमारे सब्सक्राइबर तीनों, अभी जूस वूस पिलाते हैं, फिर चलते हैं मटर गली, इनको कपड़े दिलाते हैं, फिर इनको घर छोड़ते हैं। बोले तो आज मुझे भी निकलना है, कैसी था अपनी दुकान पे, हमारा आकाश भाई की दुकान पे पहुंच गए और आज फिर हम दिलाने वाले अपने सब्सक्राइबर को कपड़े। और तो क्या लेना चाहोगे, कुर्ता पजामा लेना चाहोगे अपने लिए? दिल्ली से मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए घड़ी, कपड़े, जूते वूते सब लाने वाला हूँ तगड़े, बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा गिफ्ट लाऊंगा जो सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आएगा घर पे। फिलहाल जो मिलने आ रहे हैं जिस लायक उस लायक खड़ा हूँ। सबकी कमर ऐसी ऐसी है, 20-18 आपने देखो, मेरी तो 34 है। गाइस, हमारे आकाश की दुकान पे थे नहीं क्योंकि वहाँ मिलते हैं बड़ों के 34-35-36 की कमर, और इनकी कमर है 18-16-17।
आप सबको मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, लाखों हजार सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनकी तरफ से आप सभी को फैमिली मेंबर को हैप्पी जन्माष्टमी दिल से हाथ जोड़ के। और ये सबसे छोटा सब्सक्राइबर है मेरा, ये देखिए इसके नाम की पैंटी नहीं मिल रही है। अगर और कुछ लेना है तो ले ले, कुर्ता पजामा छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तीन साइज आएगा इस, तीन सब्सक्राइबर आए, छोटा सॉरी बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। गाइस सब्सक्राइबर को कपड़े दिलाने के बाद एक अचानक प्लान बन गया हमारे कैंची धाम का, क्योंकि हमारे अमित गुप्ता जी आए हैं जलालाबाद से, तो उन्हें कैंची धाम जाना है और हमारे बड़े भाई के साथ मैं, आयुष, दस्सा और आदि आ गए कैंची धाम। Something about your eyes, I gotta feel it, I don't need it. दर्शन बहुत अच्छे हो गए और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, खाली जूस भी मैंने नहीं पिया था, इन लोगों ने जूस पिया था। बाकी यहाँ से एक फोटो खरीदा है बहुत अच्छा लाइट वाला, वो घर में लगाऊंगा। और बाकी यहाँ राजमा चावल और कड़ी चावल है, वो खाएंगे, उसके बाद जाएंगे पार्किंग में, अपनी गाड़ी उठाएंगे, फिर अपनी सीधी घर हल्द्वानी। बाकी जो सब्सक्राइबर आए थे घर पर उनको हमने कपड़े बढ़िया करके दिला दिए। गाइस कैची धाम में आना नहीं खला और जाना नहीं खलेगा, लेकिन यहाँ का जो खाना है वो खला। 100 रुपये प्लेट चावल, इतने चावल जो 100 रुपये में पूरा घर खाएगा, एक बोले तो नीचे स्थल का पूरा परिवार खाएगा। और हमारा भी 100 रुपये के चावल बहुत होते हैं, लेकिन 100 रुपये के चावल इतनी महंगाई, 530 का बिल, 4 प्लेट चावल, एक थोड़ी सी मैगी और एक कूलर चाय, 530। बाप, जब वैष्णो देवी गए थे हम वहाँ 50 रुपये में इतना और दाल पूरी गाड़ी। वैष्णो देवी गए तो 50 रुपये प्लेट और यहाँ 100 रुपये प्लेट चावल, और क्वांटिटी भी ज्यादा थी वहाँ। ये तो गलत बात है ना, ये मंदिर के पास दुकान वकान खोल, गाड़ी देखो इतनी महंगाई। और आपको दिखाना चाहूंगा बिल्कुल अपनी तरह शिफ्ट, क्योंकि मेरी शिफ्ट का कलर अलग है, मुझे लग रहा है कलर कराया है क्या गाड़ी कंपनी से, बहुत सही लग रही है यार। हाँ कलर ही, तो इसका कलर है एक अपनी वाली, वो खड़ी है देखिए, और ये पता नहीं कौन भैया है, लेकिन इनका कलर देख के दिल आ गया, तो मैंने कहा एक फोटो खिंचा दूँ इस पर। तो फाइनली गाइस हल्द्वानी की तरफ आते हुए, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि कैंची धाम मंदिर का प्लान था, आयुष और हमारे बड़े भाई यूपी से आए हैं। ये कहाँ रहते हैं आयुष? जलालाबाद। अरे अरे पता तो मुझे भी था, मैं इससे पूछ रहा चाह रहा था, मजे ले रहा था। अच्छा तो क्या खाया तुमने बताओ इसको? मैगी, कुरकुरे, मोमो, चौमीन, बस यही है और कुछ नहीं, बस खाने आते हैं और कुछ नहीं है। ब्लॉग में डाल दिया मैंने, खाली खाने आते हैं, कोई यार है? डाल दो। वाह डरता नहीं है, डाल दो, कहीं मामा के ऊपर गए हो। तो भाई हल्द्वानी चल रहे हैं अब सीधी, बाकी अब बहुत थक गए हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे यार। सुबह गए पता ही है आपको, ब्लॉग सुबह बोले तो घर से ही स्टार्ट किया था, और गाड़ी में पहिए ज़्यादा बड़े बढ़ा दिए, आवाज़ आ रही खच खच करके लग रहे हैं, इसके टायर का भी काम कराना है, दो एक दिन में पहले टायर कड़वाते हैं इसका सही। तो फाइनली गाइस कैंची धाम से आ रहे थे हम रास्ते में, तो हमको लगे एक भुंटे की दुकान, अंकल की बहुत अच्छी दुकान है, और अमूल का मक्खन और चटनी, तो अभी थोड़े तो भुंटे खाएंगे। और गाड़ी पे कल ये काम कराया था, देखिए ये यूट्यूब का लोगो, जिससे कि मुझे आगे बढ़ना है और आप सबकी सपोर्ट से करोड़ों लाखों अरबों कमाने अगर जीवित रहूँगा तो, सब आप लोगों के ऊपर लगा दूँगा, थोड़ा अपने ऊपर, बाकी सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। कैंची धाम के दर्शन बहुत अच्छे हो गए, हल्द्वानी की तरफ वापस आ रहे हैं, भुंटे उंटे खाते हैं बढ़िया करके, फिर चलते हैं हल्द्वानी की तरफ,
और महंगाई के मामले में तो थैंक गॉड मेरी तो कान खुल गए। बोले तो हल्का फुल्का आदमी अगर 500 रुपये लेकर चलेगा तो वो खाना 500 खाएगा प्रसाद के चढ़ाएगा, वही वाली बात है ना। लेकिन लोग गलत करते हैं कि सुंदर खाना महंगाई इतनी बहुत टफ। बाकी अभी गाड़ी में काम गाइस इतना है कि इसमें टायर पड़ने 17 इंची और इसमें मैंने टायर पड़ने 16 इंच क्या बोले 17 भी पड़ जाते हैं लेकिन ये पड़ गए 17, लेकिन ये टायर लग रहे हैं गाड़ी में तो अच्छे रहे। जब 3-4 लोग पीछे बैठ रहे हैं तो गाड़ी जब दब रही है सौकर तो लग रहे हैं क्योंकि इसकी प्रोफाइल बड़ी हो गई, प्रोफाइल छोटी हो गई इसकी। बोले तो इतनी, बोले तो अभी इतनी है प्रोफाइल, फिर इतनी प्रोफाइल होगी तो टायर लगेगा नहीं क्योंकि गैप अभी 4 इंच है, फिर गैप हो जाएगा 8 इंच तो लगेगी नहीं। गाड़ी यहाँ लगती खच खच करके ना टायर खच। गाइस ये भुंटा लिया है मैंने अभी यहाँ से और जाके बंदर को देता हूँ कहीं मारे ना, चाट ही मारेगा। हवा लड़ाई हुई साइड हो जाओ साइड। वहीं फेंक दो एक घंटा दे दिया, दूसरा घंटा दे रहा हूँ। खा लो अरे आराम से खा लो। ऐसे भाग रहे हैं ऐसे भाग रहे हैं, सबसे बड़ा बंदर मैं ही लग रहा हूँ। थैंक आप देखो आप पढ़ना किसी को गिफ्ट करोगे इसका कितना पुण्य है वो बाद में पता चलेगा आपको। ठीक है माता जी। हाँ किसी से आप सुना मांगना सृष्टि की रचना वो भगवान ने कैसे करना। तो गाइस किताबें एक तो पढ़ेगा आधी, बाकी सिस्टर को दे दूंगा, भांजी को दे दूंगा, क्या फिर किसी को दे दूंगा। ये गीता का ज्ञान ऐसा है कि बहुत बड़ा ज्ञान है, बाकी तो सब ज्ञान तो सबके अंदर ही है, सब ईश्वरी कृपा है। आंटी बहुत बेचारी दिल से कह रही थी मेरी इतनी किताबें ले लो, मैंने ले ली। एक फोटो भी लेगी खींच के, देखा होगा आपने ब्लॉग में, देखेंगे आप। बाकी वो कह रही थी एक ही ले लो पर उन्होंने 5 ले ली। सब ले ली मैंने आपके प्यार से, अब मैं किसी को दे दूंगा।